हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम क्या करेंगे? आज है नवंबर 13। आज के दिन ना अमर ने मुझे प्रपोज़ किया था, और यू कैन से अ प्रपोजल डे टू अस। शादी के लिए ही डायरेक्ट प्रपोज किया था, नॉट लाइक दिस। तो आज के दिन ना 13 साल हमें कंप्लीट हुए हैं एक दूसरे को मिलकर। तो मैंने ये सोचा कि नवंबर 13 है, 13 ईयर्स हो गया है, तो कुछ स्पेशल किया जाए। सही है ना? तो आप मुझे देख सकते हो कि मैं रेडी हो गई हूँ। मैं जा रही हूँ अमर को सरप्राइज़ देने। देखते हैं कौन से हद तक ये चीज़ पूरी होती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि वो सरप्राइज़ हो। आई डोंट नो, कभी कभार उनको पता चल जाता है। बिकॉज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये मैं व्लॉगिंग पर्पज़ के लिए नहीं करती हूँ। मैं पहले भी ऐसे कर चुकी हूँ, जब हमारी शादी नहीं हुई थी। मुझे जब भी ऐसा लगता था कि उनको मिलना है तो मैं चली जाती थी। मैं ना आप लोग के सामने ना उनको पूछूंगी, तो देखना उनका जवाब क्या आता है। आपको पता तो चले कि हम व्लॉगिंग पर्पज़ के लिए खाली नहीं कर रहे हैं, ये हम पहले से ही ऐसे हैं। बस ये एक मौका मिल गया कि मैं आप लोगों को भी दिखा सकूँ, बिकॉज़ नाउ यू आर माई फैमिली एज़ वेल। तो आपको भी तो बताना ज़रूरी है कि हम करते क्या हैं डे टू डे लाइफ में, है कि नहीं? मैं रोज़ का तो नहीं कर पाती हूँ, बट स्पेशल स्पेशल मोमेंट का मैं कर सकती हूँ वीडियो, जो कि मैं कर रही हूँ। तो अब मैं निकल रही हूँ। पहले तो उनको फ़ोन करूँगी, पता तो कर लूँ ना, कि पोपट हो जाए मेरा कि कहाँ है करके। तो मैं देखती हूँ कहाँ पर है, अगर मेरी बात हो जाती है तो मैं निकलती हूँ और ऑन द वे आपको मिलती हूँ। चलिए। तो मेरी बात हो चुकी है उनसे, वो है ऑफिस में, बट उनकी मीटिंग्स चल रही है, तो मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी। जाऊँगी, मिलूँगी और आ जाऊँगी, है ना? उतना तो कर ही सकते हैं, और उतनी ही चीज़ें करती हूँ मैं। तो चलिए, मिलती हूँ मैं ऑन द वे। कैसा लगा? वैसे इनको आइडिया था कि मैं आइडिया तो नहीं था, बट हाँ थोड़ा बहुत लगा तो था कि ऐसा कुछ ये औरत सरप्राइज देगी मुझे। चलो ठीक है, बहुत खुश हूँ, सक्सेस। ठीक है, तो मैं आपको बाद में मिलती हूँ। आप ले ले, खा ले। चल। हो गई सरप्राइज। घर कब आओ? जल्दी आता हूँ। तो मैं अभी जाऊंगी घर, अमर जाएंगे ऑफिस, मैं आपको घर पे मिलती हूँ। शाम की जो थोड़ी बहुत तैयारी है वो मैं कर लेती हूँ, और मैं आपको इवनिंग में मिलती हूँ। ठीक है, अब तक कैसा लगा आपको? अमर तो बहुत खुश हुए मिलके। अब मैं उनसे आपको शाम में मिलाती हूँ जब वो आएंगे वापस। तब तक मैं थोड़ा क्लीनिंग कर लेती हूँ, साफ़ सफाई करके शाम के लिए थोड़ा रेडी कर लेती हूँ चीज़। ठीक है, खाना वाना तो नहीं बनाना है, बट छोटा सा सरप्राइज़। ठीक है, चल। तो मैं आ गई हूँ वापस। मैं ना फ्रेंड्स कब से कोशिश कर रही हूँ थ्री बनाने की, दिखाती हूँ आपको एक मिनट। देखो थ्री लग रहा है, थ्री जैसा फील भी दे रहा है क्या? कोशिश तो कर रही हूँ, हुआ तो सही, नहीं तो फिर देखते हैं। और मैं कैंडल जला रही हूँ, जो कि अमर को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि फ़ैन बंद करना पड़ता है। तो देखती हूँ कैसे बनता है। सही लग रहा है क्या? समझ नहीं आ रहा मुझे। तो
तो मैं बनाने की कोशिश कर रही थी ऑलमोस्ट 15 मिनट से कि ये बनेगा कि नहीं। 3 नंबर दिख, एक तो दिखता है वैसे तो हमेशा की तरह, बट 3 नहीं दिख रहा यार, क्या करूँ। देखती हूँ अभी उनसे ही पूछना पड़ेगा, तो उनको दिख रहा होगा 3 तो फिर ठीक है, तो हम सेलिब्रेट कर लेंगे। और मैंने केक मंगाई है वो भी आ गई है, तो वो हम ओपन करते हैं थोड़े टाइम में। और एक चीज़ बतानी थी फ्रेंड्स, हाथ को अच्छी हो रहा तो कैमरा भी पूरा शेयर हो गया। ये बताना क्या था मुझे बताना, हाँ जैसे आपने देखा कि 13 ईयर्स ऑफ रिलेशन हमारा कंप्लीट हुआ है आज के दिन, तो छोटा सा सेलिब्रेशन मैं कर रही हूँ। और ना इसके साथ में आगे जो इसके साथ जो क्लिप्स डालूंगी वीडियो के, उसमें अमर के लिए ना गिफ्ट्स मैंने मंगाए हैं जो कि डिले हो गए हैं, बिकॉज मैंने ही लेट मंगाया तो वो डिले हो गए हैं। तो वो हर एक गिफ्ट जो ओपन करेंगे उसका मैं आपको वीडियो डलवाऊँगी। अभी मैंने उनको चॉकलेट्स दिए हैं जो कि 2 गिफ्ट हो गए, 2 चॉकलेट अलग अलग दिए तो 2 हो गए। अब केक हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, और बाकी जो है वो ऑर्डर किया हुआ तो वो शायद मंडे ट्यूजडे वेनसडे ऐसे कुछ तो आने वाला है, तो आएगा तो मैं जैसे वो आएगी वैसे वो वीडियो निकाल के फिर एक साथ उसको एडिट करके मैं इसी वीडियो पे डालूँगी, तो एंड तक देखिएगा ठीक है। उनका रिएक्शन तो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नहीं, तो ठीक है मिलती हूँ। वैसे तो इंतज़ार कर रही हूँ उनका, ऑन द वे है आ रहे घर, आते हैं तो मैं मिलवाती हूँ आपको। ओके चलो, लग रहा है क्या 103 लग रहा है किसी एंगल से, एज्यूम करोगे तो शायद नहीं, एज्यूम ही करना ठीक है। तो उन्होंने एज्यूम कर लिया है, तो अब हम केक काटेंगे ठीक है। चलो इसे हम 2 ही है हमारे लिए कोई और नहीं, हम एक दूसरे के साथ ये आपके लिए। सो वी कंप्लीटेड 13 ईयर्स ऑफ सक्सेसफुली, शादी नहीं, शादी को तो टाइम है सक्सेसफुल इतना साल, बट हमारे रिलेशन को 13 ईयर्स कंप्लीट हुआ, तो इसलिए हमने ये छोटा सा वीडियो बनाया है आप लोगों को बताने के लिए। अच्छा अपने व्यूअर्स को ये बता दो कि जो मैं आज आई हूँ आपके ऑफिस में, ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, मैं एक्चुअली इसकी आदत है अक्सर ऐसी हरकतें करती रहती है। ये तो ठीक है, ये नज़दीक था गोरेगांव, ये मरीन ड्राइव तक बिना बोले कभी भी उठ के चली आती थी मेरे ऑफिस मुझे मिलने के लिए, एंड देट वॉज बिफोर द मैरिज, और इसलिए मुझे ज़्यादा सरप्राइज लगा ही नहीं, बिकॉज मुझे पता था ये ऐसी कुछ हरकतें करेगी और मुझे मिलने ज़रूर आएगी। सो थैंक्स, लव यू टू। चलो तो इसी के साथ हम ये ब्लॉग फिनिश करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो, तो इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर जितना कर सकते हो प्लीज़ कीजिएगा, और कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय। और ये देखिए गिफ्ट्स आ चुके हैं।
पार्सल आने में ना काफ़ी टाइम निकल गया, इसलिए मैं ये व्लॉग आज डाल रही हूँ, तो देखिएगा ज़रूर। और ये सारे गिफ्ट्स हैं जो मैंने अमर को दी हैं, सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि वो तो ओपनिंग में दिख रहा था कि गिफ्ट ओपन कर रहे थे वो, पास में जाके वीडियो ने निकाला, दूर से निकाला है, तो ये आपको दिखाने के लिए मैंने प्रॉपर जूम करवाया है, देखिएगा। और मिलते हैं जल्दी, बाय बाय, टेक केयर।